लाडो स्पोर्ट्स एकेडमी अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौर ने बताया कि लाडो स्पोर्ट्स एकेडमी के रोटी बैंक द्वारा 20 अप्रैल से कोविड-19 के मरीजों एवं उनके परिजनों को दोनों समय निःशुल्क भोजन पहुंचाने का जो कार्य प्रारंभ किया था जो निरंतर जारी है। लाडो स्पोर्ट्स एकेडमी अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौर ने बताया कि कोविड-19 मरीजों को भोजन पहुंचाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो इसलिए शहर को 5 भागों में विभक्त करके रोटी बैंक का कार्य किया जा रहा है ताकि प्रशासन का भी सहयोग हो सके। आजाद नगर, चंद्रशेखर आजाद नगर, पटेल नगर क्षेत्र में जगदीश सोडानी, राघव शर्मा, शास्त्री नगर, पंचवटी, पुराना भिलवाड़ा क्षेत्र में किशन मलावत, रामदेव मलावत, रामा विहार, आरसीव्या क्षेत्र में एडवोकेट उमेश सिंह राठौर, योगाचार्य उमाशंकर शर्मा, सुभाष नगर मलान क्षेत्र में नरेंद्र सिंह मोटरास, पटरी पार के क्षेत्र में बहादुर सिंह के नेतृत्व में रोटी बैंक सक्रिय रहकर अपना कार्य कर रहा है। अब तक सैकड़ों लोगों को रोटी बैंक द्वारा भोजन पहुंचाया जा चुका है। लाडो के इस कार्य में लाडो की गंगा सुवाल का, तुलसी छिपा, अभिलाषा व्यास, निधि शर्मा आदि बराबर सहयोग कर रही है। जब तक कोविड-19 से आराम नहीं हो जाता तब तक लाडो की टोली निरंतर कोविड-19 के मरीजों व उनके परिजनों को भोजन पहुंचाने का कार्य करती रहेगी। शाहपुरा के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार ओझा ने राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर कोविड संक्रमण के दौरान शाहपुरा क्षेत्र में इलाज, ऑक्सीजन इलाज के दौरान आने वाली समस्याओं में प्रशासन की मदद से आमजन को राहत पहुंचाने के लिए व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए। संपूर्ण कोर्ट परिसर को भी सैनिटाइज किया गया। शाहपुरा उपखंड क्षेत्र में व्यवस्थाओं की समीक्षा हेतु तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार ओझा एवं अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट विनोद कुमार ने मंगलवार को एक एक बैठक आयोजित की। कोरोना संक्रमण के दौरान शाहपुरा उपखंड में व्यवस्थाएं सुचारू रहे इस हेतु बैठक में विस्तृत विचार विमर्श कर तालुका अध्यक्ष द्वारा निर्देश प्रसारित किए गए। बैठक में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कोविड संक्रमण को रोकने के लिए सैनिटाइजेशन, डेडिकेटेड कोविड सेंटर स्थापित करने के बारे में समीक्षा की गई। शाहपुरा में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत मंगलवार को शाहपुरा पुलिस उपाधीक्षक प्रियंका कुमावत ने दोपहर 12 बजे बिना किसी ठोस कारण के शहर में घूम रहे 11 जनों को पकड़कर संस्थागत क्वारंटीन कर दिया है। इसके अलावा बस स्टैंड के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र में इस अवधि में सब्जी व फ्रूट ठेला लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर 8 हाथ ठेलों को भी पुलिस चौकी में डिटेन कर खड़ा कर दिया। पुलिस उपाधीक्षक प्रियंका कुमावत ने कहा कि निर्धारित समय के बाद किसी के भी बाजार में घूमने पर प्रतिबंध के बाद भी बस स्टैंड व आसपास के क्षेत्र में घूम रहे 11 जनों को पकड़ा गया। उनके पास परिचय पत्र बताने को कहने पर वो ऐसा नहीं कर पाए। इस पर कोरोना गाइडलाइन की पालना में सभी 11 जनों को उपखंड अधिकारी डॉक्टर शिल्पा सिंह के निर्देश पर संस्थागत क्वारंटीन कर उनको अम्बेडकर छात्रावास भेज दिया है। अब इन लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट होगा और इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही इनको छोड़ा जाएगा। पॉजिटिव रिपोर्ट होने पर 14 दिन तक इनको संस्थागत क्वारंटीन ही रखा जाएगा। पुलिस उपाधीक्षक प्रियंका कुमावत ने बताया कि इसके अलावा बस स्टैंड व आसपास के क्षेत्र में फल सब्जी का कारोबार करने वाले 8 ठेला चालकों को डिटेन कर उनके हाथ ठेले पुलिस चौकी में खड़े करवा दिए। इन सभी को गली मोहल्ले व वार्डों में जाकर कारोबार करने के निर्देश के बाद भी ये लोग यहाँ पर कारोबार कर रहे थे। इसमें भेरूलाल कहार, महेंद्र कहार, लालाराम कहार, वदीलाल गुजर, कालू कहार, कैलाश कहार, किशनलाल तेली, मंजू माली शामिल है। इसके अलावा एक यात्री बस में क्षमता से अधिक सवारियों को बैठाने पर यात्री बस का 2,000 रुपए का चालान काटा गया है। महावीर इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय सहनिदेशक अमित मेहता ने बताया कि सबकी सेवा सबका प्यार के आदर्श को लेते हुए महावीर इंटरनेशनल पीड़ित मानवता की सेवा हेतु कोविड-19 की इस विषम परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए एक महत्वपूर्ण चिकित्सकीय वेबिनार का आयोजन किया गया। महावीर इंटरनेशनल अपेक्स द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ चिकित्सकों डॉक्टर श्रीकांत शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन एवं डॉक्टर आर के बख्शी, एमबीबीएस प्राइमरी केयर द्वारा क्वारंटाइन के नियम एवं सावधानी तथा उसमें ली जाने वाली दवाइयां एवं हॉस्पिटल में भर्ती होने की प्रक्रिया के साथ इस विषय पर संपूर्ण जानकारी। राष्ट्रीय क्षेत्रीय सचिव मंजू पोखरणा ने बताया कि संस्था के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एस के जैन ने मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीकांत शर्मा एवं डॉक्टर आर के बख्शी का स्वागत कर कोविड-19 में संस्था द्वारा किए गए सेवा कार्यों के बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि संपूर्ण भारत में स्थापित 310 केंद्रों द्वारा करीब 24 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। साथ ही संस्था के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन ने संस्था द्वारा किए जा रहे आयोजित कार्यक्रम में N95 मास्क के दौरान 110 शहरों में 1 लाख से ज्यादा मास्क बांटे जा चुके हैं, 24/7 कंसल्टेंट यूनिट आदि की जानकारी दी। डॉक्टर श्रीकांत शर्मा ने बताया कि मरीज को कब और क्या जांच करानी चाहिए या नहीं करानी है। डॉक्टर आर के बख्शी एमबीबीएस चिकित्सक ने मरीज की स्थिति एवं अवस्था के अनुसार आकलन के साथ बहुत बारीकी से समाधान की विस्तृत जानकारी से लाभान्वित किया।
स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत सह संयोजक महेश चंद नवाल ने जानकारी दी कि मंच विश्व स्वास्थ्य संगठन से मांग करता है कि विश्वव्यापी पेटेंट कानूनों उन प्रावधानों को रद्द कर वैक्सीन व दवाओं के उत्पादन को बढ़ाना। टीकों का उत्पादन बढ़ाने में पेटेंट कानून बाधक है। वर्तमान टीका उत्पादन गति से कई साल इसमें लग जाएंगे, अतः पेटेंट कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से रोक कर इसमें बाकी कंपनियों को टीका उत्पादन में छूट दे देनी चाहिए ताकि इसका उत्पादन बढ़ाया जा सके। स्वदेशी जागरण मंच पेटेंट से वैक्सीन एवं दवा को छूट दिलाने के लिए दुनिया के 130 देशों से भी संपर्क कर रहा है। उनके एम्बेसी से संपर्क किया गया है ताकि दुनिया भर से ये मांग विश्व स्वास्थ्य संगठन से उठाई जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मिनिस्ट्रियल लेवल की कॉन्फ्रेंस 5 मई को प्रस्तावित है।